हाँ जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं पहले मैं, a11x1 a12x2 a1n xn इज इक्वल टू b1, ऐसे ही a21x1 a22x2 ... a2n xn इज इक्वल टू b2, और फिर आपके पास है am1x1 am2x2 और ये आपके पास आ गया amn xn इज इक्वल टू क्या आएगा bm। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, बहुत ध्यान से समझना है सभी को सिस्टम ऑफ की इसकी क्या जनरल फॉर्म आपके पास है। ये इक्वेशंस कितनी है बताओ जरा, यहां पर m इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं, n वेरिएबल्स हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है बच्चों, m, और नंबर ऑफ वेरिएबल कहो या नॉन कहो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो कितने हैं, वो आपके पास है n। ये चीज है, ठीक है। तो अच्छा, इस सिस्टम को अगर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने जाएं तो क्या लिखा जाएगा, ये ax इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखते हैं, कैपिटल सिंबल लिखता हूं पहले, ax इज इक्वल टू बी, जहां पर a क्या है, कॉफिशेंट मैट्रिक्स, क्या साइज है a का साइज है m क्रॉस n, x का क्या साइज है n क्रॉस 1, और b का क्या साइज है m क्रॉस 1। सबसे पहली बात तो ये कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास जितनी इक्वेशन होगी उतने ही वेरिएबल होंगे, इक्वेशंस और वेरिएबल कम ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बात। अच्छा, एक छोटा सा इक्वेशन मैं लिखता हूं, सिस्टम एक्स प्लस 2y + 3z + 4t इज इक्वल टू 5, 2x - y + z + t = 6, फिर लिखा x + y + 2z + 3t = 7, ऐसे लिखा हुआ है, बताओ जरा इक्वेशन कितनी है, वेरिएबल कितने हैं। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे ना, यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, x n क्रॉस 1 का वेक्टर है और जो b है वो m क्रॉस 1 का वेक्टर है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब इस सिस्टम को अगर आप देखो उस फॉर्म में लिखेंगे ना, बताओ जरा a क्या बनेगा इसमें, 1 2 3 4, फिर ये 2 - 1 1 और 1, ये आएगा 1 1 2 और 3, ये आया, और फिर देखो क्या x y z t, ये आया, और फिर यहां बताओ क्या आएगा, यहां पे आया आपके पास 5 6 7, ध्यान दो, ये बताओ जरा इस मैट्रिक्स का क्या साइज है, 3 क्रॉस 4, इस कॉलम वेक्टर का क्या साइज है, 4 क्रॉस 1, और इसका क्या साइज है, 3 क्रॉस 1। ये मैट्रिक्स आपके पास m क्रॉस n की है, ये आपके पास n क्रॉस 1 है और वो आपके पास m क्रॉस 1 है, तो ये गलती ना कर देना। एक तो ये मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं कि उनको लगता है कि जो ये वाला कॉलम वेक्टर है और ये वाला कॉलम वेक्टर है ये सेम साइज के होते हैं, ऐसा नहीं है, सेम भी हो सकता है अगर इक्वेशन और वेरिएबल इक्वल हो। मान लो 4 इक्वेशन है 4 वेरिएबल है, तो वो आपके पास स्क्वेयर सिस्टम आ जाएगा, उस केस में वो सेम भी हो जाएगा। बट इन जनरल अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ए मैट्रिक्स का क्या साइज है, एम क्रॉस एन, और एक्स मैट्रिक्स का क्या साइज है, एन क्रॉस 1, और उसके बाद फिर बी मैट्रिक्स का क्या साइज है आपका, एम क्रॉस 1। इन जनरल अगर बात करोगे तो वो इस तरह से काम आपका चलना है। इतनी बात समझ आ गई सभी को, बोलो बच्चों। अब एक बात सुनो, तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, अब देख रहे हो ना, ये वाला वेक्टर जो ना 4 लेंथ का वेक्टर है, और उधर जो वेक्टर है वो 3 लेंथ का वेक्टर है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके इक्वेट करोगे दोबारा से, आपके पास ये 3 इक्वेशन आ जाएगी। तो इन्हें जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए का साइज एम क्रॉस एन, एक्स का साइज एन क्रॉस 1, और फिर बी का साइज एम क्रॉस 1, तो जनरल सिस्टम के अंदर आपके पास इस तरह से साइज चलना है। यू गॉट इट, समझ गए क्या, फिर सुनो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मतलब ये है
कि जो ये वेरिएबल्स तुम्हारे चल रहे हैं ना, इन सारे वेरिएबल्स की सिंगल पावर चल रही है, एक्स का, वाई का, जेड का, टी का, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, और ना ही किसी इक्वेशन में इनमें से कोई दो मल्टीप्लाई है। मान लो एक मिनट के लिए मैं यहां पर ये लिख दूं एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, और यहां मान लो जेड मल्टीप्लाई कर दूं, थ्री टी जेड इज इक्वल टू सेवन कर दिया। अब ये लीनियर इक्वेशन है नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जो एक्स वाई जेड टी आपके मिलेंगे वो सारे सिंगल पावर में है, और कोई भी दो वेरिएबल किसी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन में नहीं होंगे। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये। अच्छा, सिस्टम, सिस्टम का मतलब ये है कि ये इक्वेशन एक से ज्यादा हैं। बात को समझ रहे हो? एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन इक्वेशन साइमल्टेनियसली हमको सोल्व करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो पूरा नाम क्या बना? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी बात आ गई सबको समझ? साइज पता लग गया जनरल क्या होता है, एम क्रॉस एन ए का साइज है, इसका साइज क्या है एन क्रॉस वन, और फिर बी का साइज क्या है एम क्रॉस वन। तो ये एक जनरल साइज मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा नोटेशन के ऊपर कमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नोटेशन पर क्या कमेंट है? नोटेशन में क्या है बच्चों कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास के अंदर यूजुअली हम इसी तरह से यही नोटेशन यूज करते हैं, एक्स को और बी को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। बट यूजुअली जब आप लीनियर अलजेब्रा के हायर ऑथर्स को हम देखते हैं ना, तो वो एक्स और बी जो कि दो कॉलम वेक्टर है, एक्स का साइज है एन क्रॉस वन, बी का साइज है एम क्रॉस वन, उनको ऐसा कई बार देखा गया है कि वो इनको ना ऐसे डिनोट करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी ए यू लिखते हैं, सिंगल एक्स लिख दिया। सिंगल एक्स लिखने का ये मतलब है ए एक्स इज इक्वल टू बी जहां पर आपने लिखा, कि इस एक्स का मतलब आप एक वेरिएबल ना समझना, इस एक्स का मतलब ये कॉलम वेक्टर है। किस साइज का कॉलम वेक्टर है? एन क्रॉस वन का। ये भी एक कॉलम वेक्टर है, किस साइज का? एम क्रॉस वन का। एग्जाम के अंदर ये नोटेशन बहुत बार देखी गई है। फिर सुनो, कई बार लोग क्या करते हैं, ए को तो कैपिटल ही लिखते हैं, मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं। देखा जाए तो ये भी दोनों मैट्रिक्स ही है, जो ये फोर क्रॉस एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है या ये एम क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। बट स्टैंडर्ड जो ऑथर्स है ना, वो स्मॉल नोटेशन भी यूज करते हैं, एक बात। दूसरी बात सुनो, कई बार इसके ऊपर बार देखा गया है, एक्स के ऊपर और बी के ऊपर बार लगा दिया ऐसे, तो वो बार लगाने से इसलिए कि आपको ये फीलिंग ना आए कि भाई ये कोई नंबर नहीं है, ये एक कॉलम वेक्टर है, तो एक्स और बी पर बार लगा देते हैं। कई बुक्स के अंदर आपने देखा होगा इनको बोल्ड करके लिखते हैं। अब हम जब पेन से लिख रहे हैं तब तो हम बोल्ड बोल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग के अंदर तो चीजों को बोल्ड किया जा सकता है। अच्छा, कई बार यह भी देखा गया है कि नीचे बार लगा दिया ऐसे, इस बार का कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ यह मतलब है कि कोई बच्चा इसको नंबर ना समझे। ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो बार ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया, बोल्ड कर दिया, या नहीं भी लगाया, एक ऑथर का यह भी तो विचार है भैया ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है और मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूं, और किसी को अगर यही नहीं पता कि ये एक्स नंबर है या कॉलम वेक्टर है, तो क्या वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या खाक पड़ेगा? ये भी विचार है लोगों का कि आपको पता होना चाहिए। तो एक तो नोटेशन के ऊपर ये कमेंट है, नोटेशन एग्जाम के अंदर ये ऐसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और सिंपल ए एक्स इज इक्वल टू बी भी आ सकता है, और एक्स और बी यहां पर कॉलम मैट्रिसेस है, ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एक्स एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, और जो बी होती है वो एम क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। तो ये तो मैंने आपको नोटेशन के बारे में पहले बताया। चलो आगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ गए। अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? एम, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? एन, और वो बराबर भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, कॉन्जुगेट तो नहीं समझना चाहिए, यहां पर आया है नेट के पेपर में ऊपर भी बार नीचे भी बार आया, और लिखा हुआ था साथ में उसने हेयर एक्स बार डिनोट्स ए कॉलम मैट्रिक्स, है ना भैया? वो तो जो कंटेक्स्ट आपका चल रहा है उस कंटेक्स्ट के हिसाब से आप समझोगे ना बात को। अब कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो तो बार का मतलब कॉन्जुगेट है, अब आप रियल एनालिसिस अगर पढ़ रहे हो पॉइंट सेट टोपोलॉजी तो बार का मतलब क्लोजर है। बात समझ रहे हो? वहां पर ए के ऊपर आपने बार लगा दिया, किसी सेट के ऊपर बार लगाया, तो हम उसको वहां पर क्या पढ़ते हैं? क्लोजर पढ़ते हैं। अब देखो डैश है, अब डैश लगाए, अगर आप पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस तो डैश का मतलब ट्रांसपोज है,
अगर आप पढ़ रहे हैं कैलकुलस तो डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है, और अगर आप पढ़ रहे हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी तो डैश का मतलब ड्राइव्ड सेट है ना। ए डैश हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। तो किस नोटेशन का क्या मतलब है, ये तो कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, कहां तुम बात कर रहे हो, उसके हिसाब से मतलब निकलेगा। तो इस बार का मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो इस बार का मतलब जस्ट ये है कि एक्स बार रिप्रेजेंट्स ए कॉलम वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। ओके चलिए, तो ये तो मैंने आपको जनरल नोटेशन बताई है, अब मैं आगे चलता हूं। देखो क्या है इसमें, यह है कि सिस्टम को ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कहते हैं, अब जरा इस बात पे आ रहा हूं। हां जी, कंसिस्टेंट और क्या इनकंसिस्टेंट, यस कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन होना और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं होना। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हैज ए सॉल्यूशन, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, बल्कि यूं कह दो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कोई आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, अगर उस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप कहेंगे वो सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट, का मतलब है नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब है बच्चों, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं। कई बार बच्चों को मैंने गलती करते देखा है, कंसिस्टेंट का मतलब ये निकाल बैठेंगे यूनिक सॉल्यूशन, नहीं कंसिस्टेंट का क्या मतलब है हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं। अच्छा सॉल्यूशन से क्या मतलब है ये तो जानते होगे ना, आपको जब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है इसका क्या मतलब है, हमें एक्स वाई जेड टी की वो वैल्यूज निकाल के लानी है जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सबको समझ आ गया, अब एक बात सुन लो ध्यान से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ तीन पॉसिबल केस हैं। आप ट्वेल्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दसवीं क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते थे, तीन पॉसिबल केस है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और या नो सॉल्यूशन होगा, तीन ही पॉसिबल केस है। कौन कौन से, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और या फिर नो सॉल्यूशन, दीज थ्री आर द ओनली पॉसिबल केसेस। अच्छा उसमें से दो केस आपके कंसिस्टेंट में चले जाएंगे, अगर किसी सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे उसे कंसिस्टेंट, और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी क्या कहेंगे कंसिस्टेंट, करेक्ट है। अच्छा एक बात सुनो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा देखा गया है कि वो बोलेगा दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, तो ये नहीं हो सकता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे और या फिर होगा ही नहीं। ये बात समझ गई, नोटेशन समझ आ गई। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास आया, तीन पॉसिबल केस है, क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, और अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि तीनों पॉसिबल केसेस कब होल्ड करेंगे, ध्यान से सुनना। हां जी, ये है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है, वेयर ए का क्या साइज है एम क्रॉस एन, इसका क्या साइज है एन क्रॉस वन, और इसका क्या साइज है एम क्रॉस वन। एम और एन इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, एम और एन अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम स्क्वेयर सिस्टम बोलते हैं उसको, और अगर इक्वल नहीं है तो उसको नॉन स्क्वेयर सिस्टम कहेंगे। क्या तीन पॉसिबल केसेस है ध्यान से सुनना। अच्छा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होती है, डू यू नो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए कॉलन बी, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंट मींस होता है चीजों को मिलाना, टोटल करना, जोड़ना,
यहां पर ए को और कॉलम वेक्टर बी को मिला के आपने ये मैट्रिक्स बनाई है, दैट्स वाई द नेम इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए को और बी को आपने ऑगमेंट किया है, इकट्ठा किया है, टोटल किया है, जोड़ा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है सभी को। हां जी, एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम हैज ए क्या यूनिक सॉल्यूशन, तीन केस है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ क्या रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल एन। पहला केस लिखा भी हुआ है, मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। अगला, एक्स इज इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन। और तीसरा केस ये है बच्चों कि एक्स इज इक्वल टू बी हैज क्या नो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी। ये तीसरा केस है, इसको आप अच्छे से याद कर दो, इसी के ऊपर हमारा सारा खेल चलना है, इन्हीं तीन पॉइंट्स पर हमारा कंप्लीट खेल चलना है। बताओ, यूनिक सॉल्यूशन क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू एन, और एन क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम क्या होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस। जब ये ए मैट्रिक्स अगर एम क्रॉस एन की है तो इक्वेशंस एम है और वेरिएबल्स एन है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या केस है बच्चों, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन, एन से अगर ये कम आए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और नो सॉल्यूशन का क्या है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी, ये दोनों रैंक अगर इक्वल ही ना आए, और फिर एन को देखने की जरूरत नहीं है, फिर एन का कोई के चक्कर नहीं है, एन जो ना इस नंबर से ज्यादा है या इस नंबर के इक्वल है, नो नीड। अगर ए का और ए कॉलन बी का रैंक इक्वल नहीं आया तो सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। और बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन तीन केसेस को छोड़ के कोई चौथा केस एग्जिस्ट नहीं करता, और इन पहले दोनों केसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन अगर है यूनिक है या इनफाइनाइट है, इन दोनों को कंसिस्टेंट बोला जाता है, और थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक काम और करो, बुक में है ना जो ये इफ एंड ऑन लीफ नहीं है उसको इफ एंड ऑन लीफ कर लो, 90 पेज पे जो थर्ड नंबर रिजल्ट है उसके तीन पार्ट लिखे हुए हैं। शुरू में क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है ना, मिला क्या वो इफ, तो दो काट, इफ काट दो, और बीच में जाके जैसे पहले नंबर पे है रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, वहां पे जाके क्या लिख लो, इफ एंड ऑन लीफ, बीच में ये इफ एंड ऑन लीफ कर लो, ऐसे है ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रहेगा। याद हो गया सभी को ये, पक्का? अभी मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो आपको वो जो इसके पीछे का लॉजिक है वो भी समझ आने लगेगा। तो नोटेशन मैंने करा दी, केसेस बता दिए, और ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे होता है। हाँ जी बताइए, समझ गए, बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन, एन यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। बताओ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और बताओ नो सॉल्यूशन कब होंगे, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी। ठीक है, अच्छा जी, और अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कर रहा हूं, ये लो, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फोर, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव,
3x माइनस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन है। कोई बच्चा बताएगा इसमें m कितना है? 3 है। इक्वेशन कितनी है? 3। वेरिएबल कितने हैं? वो भी 3 है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 12th क्लास में भी करे हैं, याद है क्रैमर्स रूल हम करते थे, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 वगैरह निकालते थे, क्रैमर्स रूल से भी करते थे। लेकिन बच्चों, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको रैंक मेथड से ही करेंगे। रैंक मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट मेथड है। शुरू करता हूं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, ए कॉलन बी, यहां लिख रहा हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी। यस, बताओ क्या आया? 1 2 3 4, यहां से क्या आया? 2 1 1 5, यहां से क्या आया? 3 -1 -2 और 7, और ये डॉट्स लगा लो, यहां पे ये डॉट लगा दिए। कई लोग यहां लाइन खींच देते हैं, कई लोग डॉट्स लगाते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं लगाते, वो कहते हैं आपको खुद ही समझ होनी चाहिए कि जो लास्ट कॉलम है वो राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स का कॉलम है और जो बाकी हैं वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं। तो जो ये डॉट्स लगाए हैं या लाइन खींच दो, डॉट्स लगा दो, जस्ट इसको थोड़ा सा सेपरेट रखने के लिए कि भैया ये तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं और ये आपका राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स वाला कॉलम है, बी कॉलम है ये, 4 5 7 इज द कॉलम बी, करेक्ट है? अब मेरी बात को सभी ध्यान से सुनेंगे। आपको ये जो मैट्रिक्स आपके सामने पड़ी है, इस मैट्रिक्स को आरईएफ में कन्वर्ट करो और इसको सिंगल मैट्रिक्स ट्रीट करते हुए चलना है। आपने बेशक ये डॉट लगा रखे हैं, लेकिन आप इसको कंप्लीट को एक ही मैट्रिक्स मान के चलो और इसको आरईएफ में कन्वर्ट करो। कुछ बात समझ आई क्या? हां जी, किया आरईएफ में कन्वर्ट, बताइए। 1 2 3 4, 2 से गुणा करके घटा दो, 0 माइनस का 3, 1 -6 -5 और 5 -8 -3, इसको 3 से गुणा करके घटाओ यहां से, 0 -1 -6 -7 -2 -9 -11 और यहां पर करोगे 7 -12 -5। कुछ बात समझ आई बच्चों? ये आ गया। अच्छा, ऐसा करो, सेकंड रो को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, माइनस सारे खत्म। ऐसे थर्ड रो को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लो जी ये सारे माइनस आपके खत्म हुए। समझ गए? अब क्या करना है जानते हो? इस 7 का 0 बनाना है। 7 का 0 कैसे बनेगा? इसको 7 बाई 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ, यानी कि R3 विल बी रिप्लेस्ड बाई R3 -7/3 R2। ये किया, बताइए क्या आ गया? ये आ गया 1 2 3 4, 0 3 5 3 0 0, यहां कैलकुलेट करो कितना आएगा, 11 -75 35/3, 33 -35/3, क्या आ गया? माइनस का 2/3। इसको भी कैलकुलेट करो क्या आएगा, 5 -3 × 7/3, ऐसे करोगे ना, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया, -2 आके आपके पास ये इक्वेशन बन गई। पिवोट लगा लो, एक पिवोट यहां गया, एक पिवोट यहां गया, एक पिवोट यहां गया, और ब्रैकेट में क्या लिख लो इसमें, REF, ये आपके पास रो इक्लन फॉर्म आ गई है, REF आ गई है। बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा था कि रैंक मेथड जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट मेथड है। सुनेंगे, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी नजर लगाओ ना, थोड़ा सा हिसाब किताब अगर देखो तुम, तो हमने ये पता क्या किया है, हमने इन इक्वेशंस को आपस में मैनिपुलेट किया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। आप ये क्वेश्चन किसी 10th क्लास के बच्चे को दे दो, 10th क्लास के बच्चे को भी एलिमिनेशन की एक समझ आ चुकी होती है, उसे यह लगेगा कि मैं इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से x को उड़ा लेता हूं पहले, फिर इनमें से x को उड़ा लेता हूं, करेगा ना वो ऐसे? yes.
हम भी तो वही काम कर रहे हैं। टेंथ क्लास का बच्चा ये लिखेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई टू एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समझ रहे हो? ये हमने क्या किया है? और हमारा तो और टाइम बचा। सुनो, एक तो हमें इक्वेशन के नंबर नहीं देने पड़े, एक हमें बार बार एक्स वाई जेड नहीं लिखना पड़ा। हम भी तो वही काम कर रहे हैं। यहां पर जब मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया तो ये आया है, जो ये x का कोफिशिएंट है, ये y का है, ये z का है, और ये राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है। कितना सारा टाइम हमारा सेव हो रहा है। वो टेंथ या ट्वेल्थ क्लास का बच्चा तो पूरा पूरा सेंटेंस उसको लिखना पड़ेगा, फिर इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को नंबर चार डाल लेगा वो, फिर वो कहेगा इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थ्री में से घटा दो, फिर एक इक्वेशन आएगी वो उसकी, ये इक्वेशन आएगी, इसको इक्वेशन पांच कहेगा, फिर इसको इसको सेवन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया तो वो उसकी इक्वेशन नंबर सिक्स आई है। वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। हम भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम सिस्टमेटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं। इक्वेशंस के नंबर नहीं डालने पड़ रहे, एक्स वाई जेड बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, वो सेंटेंसेस बार बार नहीं लिखने पड़ रहे कि इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो और उस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करो। कुछ बात समझ आई क्या? जब ये आपका सिस्टम आरईएफ में कन्वर्ट हो गया तो अब आप यहां से लिख दो रिड्यूस्ड सिस्टम। शब्द देखना मैंने क्या बोला है, क्या बोला है? रिड्यूस्ड सिस्टम इज, मतलब ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ था ये क्वेश्चन रिड्यूस होके छोटा होके इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। इनको दोबारा आप इक्वेशंस बना के लिख दो। अब ये एक्स का वाई का जेड का कोफिशिएंट है और वो राइट साइड का कॉन्स्टेंट है। शब्द क्या है? क्या शब्द है? रिड्यूस्ड, कि जो आपका क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया, मिनिमाइज हो गया। वो लिख दो, क्या लिख दिया बताओ? पहली इक्वेशन लिखवाओ, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फोर। दूसरी लिखवाओ, थ्री वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू थ्री। और तीसरी लिखवाओ, माइनस का टू बाई थ्री जेड इज इक्वल टू माइनस का टू। बच्चों बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है क्या? यहां से अभी किसकी वैल्यू निकलेगी? जेड की। ऊपर पुट कर देंगे वाई आएगा, फिर वाई और जेड को ऊपर पुट कर देंगे एक्स आएगा। बताइए जेड कितना आ गया? जेड आ गया आपका थ्री, ठीक है जी। ऊपर पुट कर दो, बताओ वाई कितना आ गया? वाई आ गया कितना? माइनस का फोर। चलो जी ठीक है, ऊपर पुट कर दो, बताओ एक्स कितना आ गया? एक्स कितना आया? एक्स आ गया थ्री। ये लो जी, एक्स तीन आ गया, वाई माइनस का चार आ गया और जेड आपका थ्री हो गया। सिस्टम हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा एक बात सुनो, मान लीजिए यही क्वेश्चन आए और वो आपसे सोल्यूशन ना पूछे, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि बताओ कि तीन में से कौन सा केस है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो मुझे ये रिड्यूस सिस्टम लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर जाके मैंने रैंक देखा, देख रहे हो क्या? तो ये बताओ रैंक ए का कितना है? तीन। और इस कंप्लीट का देखूं तो भी कितना है? वो भी तीन है। आप इतने हिस्से का रैंक देखेंगे वो भी तीन है, कंप्लीट का रैंक देखेंगे वो भी तीन है, और जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो भी तीन है। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, तो कौन सा केस हुआ? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू एन। तो क्या आ गया बच्चों? यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि एग्जाम में तो वो ये थोड़ी पूछता है, एग्जाम में ये वैल्यूज तो बहुत रेयर पूछी जाती है। रेयर क्या, नेट के एग्जाम में तो ये पूछी नहीं जाएगी कभी भी। नेट के एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है, ये पूछा जाएगा आपसे। और उस चीज का आंसर हमारा यही निकल गया था। लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू थ्री। व्हाट इज थ्री? थ्री इज एन नंबर ऑफ वेरिएबल। और ए का रैंक, ए कॉलन बी का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर आपके इक्वल आएंगे तो सिस्टम के कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा यूनिक। और अगर तुम्हें वो चाहिए तो निकाल भी दिया, एक्स थ्री आ गया, वाई माइनस फोर आ गया, जेड थ्री आ गया। यहां तक बात समझ आ गई सभी को? पक्का? चलूं अगले क्वेश्चन पे? चलो।